कश्मीर में हुए हिमस्खलन में दबने से नागौर का लाल शहीद हो गया। शहीद रामेश्वर लाल नागौर के शिवदानपुरा गांव के रहने वाले थे। बर्फ से निकाले जाने के बाद नायक रामेश्वर लाल को शहीद घोषित कर दिया गया। रामेश्वर लाल के शहीद होने की खबर मिलने के बाद से ही उनके गांव में मातम का माहौल है। आज या कल शहीद का पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचेगा। आपको ये बता दें कि नायक रामेश्वर लाल राष्ट्रीय राइफल में तैनात थे। गांव में मातम का माहौल है, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। राजस्थान ने अपना एक और लाल खो दिया है। कश्मीर में हुए हिमस्खलन में दबने से नागौर के लाल शहीद हो गए और शहीद रामेश्वर लाल नागौर के शिवदानपुरा गांव के रहने वाले थे। गांव में जैसे ही ये खबर मिली मातम पसर गया, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। वहीं इस खबर पर परिवार वाले यकीन करने तक को राजी नजर नहीं आ रहे हैं। बर्फ से निकाले जाने के बाद नायक रामेश्वर लाल को शहीद घोषित कर दिया गया था। रामेश्वर लाल के शहीद होने की खबर मिलने के बाद से उनके गांव में मातम का माहौल बना हुआ है। तो आपको बता दें आज या कल शहीद का पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचेगा, उसके बाद अंतिम विदाई दी जाएगी, अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहीं आपको ये बता दें कि नायक रामेश्वर लाल राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात थे।